हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आचल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे ऑनलाइन चैनल में। और आज का जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो होगा प्रमुख व्यक्तित्व छत्तीसगढ़। इसमें जो है ये जो हमारे कुछ लेसन्स की सीरीज़ हैं जिसमें हम छत्तीसगढ़ के जितने भी प्रमुख व्यक्तित्व हैं उनके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है अगर हम CGPSC मेंस की परीक्षा दे रहे हैं या फिर कोई भी परीक्षा दे रहे हैं छत्तीसगढ़ की। तो ये हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इस पर्टिकुलर लेसन में हम जिन व्यक्तित्व के बारे में पढ़ेंगे वो हैं गुरु घासीदास, पंडित सुंदरलाल शर्मा और वीर नारायण सिंह। तो चलिए अब क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले संत गुरु घासीदास। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय भी है छत्तीसगढ़ में, अगर आप लोगों को पता होगा। तो देखिए, गिरौदपुरी के संत सतनाम पंथ के प्रवर्तक गुरु घासीदास का जन्म 18 दिसंबर 1756 में गिरौदपुरी जिला बलौदा बाजार में हुआ था। तो ये चीज़ हमको पता होनी चाहिए कि वो गिरौदपुरी के संत थे। उनका जन्म 18 दिसंबर 1756 में हुआ था गिरौदपुरी, जो कि जिला बलौदा बाजार में है। बचपन में वे कौन से नाम से जाना जाते थे? घसिया नाम से, क्योंकि जैसे उनका नाम घासीदास था तो उसका एक निक नेम की तरह उनको घसिया बोला जाता था। उनके पिता का नाम श्री महंगू दास तथा माता का नाम अमरौतिन बाई था। महंगू दास एवं अमरौतिन बाई उनके माता पिता का नाम था। उनका विवाह किसे हुआ था? सिरपुर की जो महिला थी सुफरा माता, उनसे उनका विवाह हुआ था। अब देखिए, गुरु घासीदास जी जो थे उनका विवाह तो हुआ था, लेकिन वो शुरू से ही संत प्रवृत्ति के थे। वे बचपन से ही वैराग्य वृत्ति के थे। उन्होंने समाज में जो भी व्याप्त पशु बलि प्रथा है, मतलब जितने भी समाज में कुरीति कहिए या फिर ऐसी रीति है जिससे किसी को हानि होती है, जैसे पशु बलि हो गया, मूर्ति पूजा जो होता है, मूर्ति पूजा वैसे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन बहुत लोगों की ये धारणा होती है कि मूर्ति पूजा की जगह जो है हमें भगवान को अपने मन में बसाना चाहिए, और बाकी कुरीतियों का इन्होंने विरोध किया था। जगन्नाथपुरी की यात्रा के दौरान सारंगढ़ पहुँचने के बाद उन्हें आत्मबोध हुआ। आत्मबोध का मतलब क्या होता है? जैसे कि जब अगर आप लोग जैनिज्म बुद्धिज़्म वगैरह भी पढ़ेंगे, जो संत होते हैं बड़े बड़े, उन्हें जब खुद को लगता है कि मेरा इस दुनिया में आने का मकसद क्या है या फिर मुझे क्या करना चाहिए, जब उनको कुछ चीज़ें समझ में आती है तो उसको हम आत्मबोध कहते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि आगे की यात्रा उन्होंने स्थगित कर दी और वे सतनाम बोलते हुए वे वापस घर आ गए। गिरौदपुरी से लगभग 1 मील दूर छाता पहाड़ी पर औरा धौरा वृक्ष के नीचे बैठकर उन्होंने तपस्या की, और यह स्थल आज सत्य ज्ञान तीर्थ स्थल के रूप में प्रख्यात है। देखिए, इस एक पैराग्राफ में हमको कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिली है ना। उसके बाद गुरु घासीदास जी ने भंडारपुरी आकर दलित, शोषित, अन्याय के शिकार, असहाय लोग और समाज के कमज़ोर लोगों को सतनाम धर्म की शिक्षा दी। तो जो गुरु घासीदास जी हैं वो सतनाम पंथ को बढ़ावा देते थे और उसी की शिक्षा उन्होंने लोगों को दी। उन्होंने जितने भी समाज के से पीड़ित लोग हैं उनको आत्मविश्वास उनका बढ़ाने के लिए, उनका जो खुद का व्यक्तित्व है उसको बढ़ाना, अन्याय जो उनके ऊपर हो रहा है उससे जूझने की शक्ति, इन सारी चीज़ों की जो है शक्ति प्रदान करने के लिए उन लोगों ने में ज्ञान का संचार किया। उन्होंने 1820 में, उनका जन्म कब हुआ था? 1756 में। उन्होंने 1820 में सतनाम पंथ की स्थापना की और उनके शिष्य जो थे वो सतनामी कहलाते थे। अब ये जो सतनाम पंथ है उसके साथ प्रमुख बातें हैं। देखिए, यहाँ पे आपको अगर आप लोग धर्म वगैरह का पाठ पढ़ेंगे सिलेबस, तो उसमें हमको ये सतनाम पंथ और जो अलग अलग धर्म होते हैं उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है, तो वो चीज़ भी हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। तो 7 उपप्रमुख बातें क्या हैं सतनाम पंथ की। सबसे पहले, मादक पदार्थों से परहेज करो, मांस तथा मांस जैसी वस्तु से परहेज करो, सामाजिक एकता की आचार संहिता का पालन करना, मूर्ति पूजा बंद करो, गायों को हलों में जोतना बंद करो, दोपहर के बाद हल चलाना बंद करो, एकमात्र सतपुरुष सतनाम की निराकार उपासना, मतलब भगवान का कोई आकार नहीं होता वो निराकार होते हैं, भजन तथा ध्यान करो। ये सब जो है गुरु घासीदास जी जो है सतनाम पंथ के द्वारा कहना चाहते थे।
गुरु घासीदास जी के जो शिष्य थे वो सतनामी कहलाते थे, वो हमको पता है। गिरौदपुरी भंडारपुरी में उनके नाम पर मेला भरता है, वहाँ जयस्तंभ जिसे कि जैतखाम भी कहते हैं उसकी पूजा की जाती है, और इसके ऊपर जो है सफ़ेद झंडा फहराया जाता है। अगर आप लोगों ने मेरा लोक नृत्य का लोक गीत का लेसन देखा है, तो वहाँ पे हमने देखा था कि एक तरीके का नृत्य होता है जो सतनाम पंथी करते हैं, जैतखाम के आसपास करते हैं और सफ़ेद झंडा लहराते हैं। तो ये चीज़ मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी। अगर आप लोगों ने वो लेसन देखा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वो लोक नृत्य कौन सा था। ठीक है, यह सत्य और सात्विक आचरण का प्रतीक है। हाल ही में गिरौदपुरी में कुतुब मीनार से भी ऊंचा जैतखाम स्थापित किया गया है। ठीक है, ये एक आपका करंट अफेयर काइंड ऑफ चीज हो गया। नेक्स्ट आते हैं आपके पंडित सुंदरलाल शर्मा जी। पंडित सुंदरलाल शर्मा के बारे में पढ़ने से पहले एक बार आप लोग मेरे साथ रिविजन कीजिए। गुरु घासीदास जी जो थे उनका जन्म कहाँ हुआ था? गिरौदपुरी में 1756 18 दिसंबर को। उनके जो शादी हुई थी वो सिरपुर की एक महिला से हुई थी। वो शुरू से ही वैराग प्रवृत्ति के थे। जब वो जगन्नाथपुरी की यात्रा में जा रहे थे तो सारंगढ़ के पास उनको आत्मबोध हुआ, जिसके बाद वहाँ पे उन्होंने अपनी यात्रा को रद्द किया और उसके बाद वो जाकर एक जगह पर तप करने लगे, और उस तप स्थल का नाम जो है वो हमने पढ़ा। ठीक है, उसके बाद सतनाम पंथी उन सतनामी कहलाते हैं उनके फॉलोअर्स। टोटल 7 बातें जो हैं प्रमुख हैं सतनाम पंथ में, ये चीज़ हमने पढ़ी। तो आप लोग इस लेसन को देखिए। अब आगे आता है पंडित सुंदरलाल शर्मा। इन्हें छत्तीसगढ़ के गांधी भी कहा जाता है। उनका जन्म ग्राम चंद्रसूर राजिम गरियाबंद में हुआ था। कब? 1881 में। वे छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जागरण के अग्रदूत थे। पंडित सुंदरलाल शर्मा एक महान समाज सुधारक थे और जीवन पर्यंत पीड़ित वर्ग के उत्थान में लगे रहे। जीवन भर वो जो है पीड़ित शोषित लोगों के उत्थान में ही लगे रहे। छत्तीसगढ़ के आदिवासी और अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्र में सदियों से चली आ रही रूढ़िवादिता, कुरीति और अंधविश्वास को दूर करने में उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयास किया है। उसके बाद जैसे उन्होंने क्या क्या किया है, सबसे पहले तो राजिम का जो राजीव लोचन मंदिर है वहाँ पे अस्पृश्य लोगों को, मतलब जिनको बोला जाता है कि तुम छूत अछूत, जिनके लिए माना जाता है उन्हें छुआ नहीं जाता उन्हें मंदिर वगैरह के अंदर, और अन्य जो आपके पब्लिक प्लेसेस होते हैं वहाँ पे घुसने नहीं देते, तो उनको मंदिर के अंदर प्रवेश दिलाकर जात पात के भेदभाव को खत्म करने का उन्होंने प्रयास किया था। उन्होंने छत्तीसगढ़ में हरिजन उत्थान का कार्य गांधी जी के हरिजन उत्थान से कई वर्ष पहले किया था, इसलिए गांधी जी ने अस्पृश्यता निवारण के संबंध में श्री शर्मा जी को अग्रणी कहा। मतलब गांधी जी ने जो है दलित लोगों को हरिजन कहा था उस, और उनसे बहुत साल पहले ही, गांधी जी से बहुत साल पहले ही उन्होंने हरिजन उत्थान का काम शुरू कर लिया था। इसीलिए स्वयं गांधी जी जो हैं वो पंडित सुंदरलाल शर्मा को इसमें अग्रणी मानते हैं। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए भी प्रयास किए थे। 1918 में छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम कल्पना किसने की थी? पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने की थी। छत्तीसगढ़ में राजनैतिक चेतना के विकास में पंडित शर्मा का सक्रिय योगदान रहा। वे कांग्रेस के लगभग हर अधिवेशन में जाते थे। 1920 में धमतरी के पास कंडेल नहर सत्याग्रह पंडित जी के नेतृत्व में ही सफल रहा। इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो सीजीपीएससी के प्रीलिम्स वगैरह में ज़रूर आते हैं। ये चीज़ हमको बुक्स में नहीं मिलती, लेकिन जब हम प्रमुख व्यक्तित्वों के बारे में पढ़ते हैं तो हमको ये सारी चीज़ें पता चलती हैं। शर्मा जी के प्रयासों से ही महात्मा गांधी 20 दिसंबर 1920 को पहली बार रायपुर आए थे। पंडित सुंदरलाल शर्मा असहयोग आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ से जेल जाने वालों में से प्रमुख थे। उन्होंने 1922 में सिहावा को जंगल कानून तोड़ने का केंद्र बनाया था। ठीक है, और 1923 में सिहावा के आदिवासियों को नागपुर झंडा सत्याग्रह में भी वो लेके गए थे। शर्मा जी जो थे वो कवि भी थे, वो एक आशु कवि थे। 18 वर्ष की आयु में उन्होंने पद्मावती पुत्री महात्म्य की रचना की थी। तो ये किताब आपको याद होनी चाहिए, पद्मावती पुत्री महात्म्य की उन्होंने रचना की थी। उनकी रचना एक और थी दानलीला, और वो एक बहुत ही मतलब लोकप्रिय कृति थी उनकी। वे छत्तीसगढ़ी के युग प्रवर्तक कवि थे। बहुमुखी प्रतिभा के धनी पंडित सुंदरलाल शर्मा जीवन भर जो है वो उच्च विचार के साथ
उन्होंने अपना जीवन व्यापन किया। और रायपुर में बाल समाज पुस्तकालय की जो स्थापना है उसका श्रेय भी उनको ही जाता है। क्या? बाल समाज पुस्तकालय। उनकी कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं एक बार आप लोग देखिए। छत्तीसगढ़ी दान लीला जो कि काव्य है, श्री कृष्ण जन्म स्थल, सचित्र जो कि समाचार पत्र है, राजिम प्रेम पीयूष, ध्रुव आख्यान, करुणा पचीसी, प्रहलाद रचित, ध्रुव आख्यान डबल लिख गया है, सच्चा सरदार और भारत में अंग्रेजी राज, ये जो हैं उनकी कुछ रचनाएं हैं। अब आते हैं वीर नारायण सिंह। वे बिंझवार जनजाति के थे। उनका जन्म सोना खान में हुआ था जो कि बलौदा बाजार में है। इनके पिता राम राय सोना खान के जमींदार थे। पिता राम राय ने 1818-19 के दौरान अंग्रेजों और भोसलों के का विरुद्ध किया था, लेकिन नागपुर के कैप्टन मैक्सन ने जो है उनका विद्रोह को दबा दिया। मतलब उनके पिता जो थे वो भी विद्रोही थे। पिता की मृत्यु के बाद 1830 में वीर नारायण सिंह जी जो हैं वो जमींदार बने, और वे बहुत ही ज़्यादा परोपकारी प्रवृत्ति के थे, जिसकी वजह से वो गांव-गांव जाते थे, लोगों से मिलते थे, उनकी समस्याओं को दूर करते थे, तालाब वगैरह बनवाते थे, पेड़ वगैरह लगवाते थे, और जितने भी जन कल्याण चीज़ें हैं वो करते थे। वे बहुत ही ज़्यादा मृदुभाषी थे, मिलनसार थे, धर्म में वो बहुत ही ज़्यादा विश्वास रखते थे, और वो एक आदर्श जमींदार थे। 1854 में छत्तीसगढ़ में अंग्रेजी राज्य में मिलन के बाद नए ढंग से टकोली नियत की गई, जिसका नारायण सिंह ने जो है बहुत जमकर विरोध किया था। 1856 में छत्तीसगढ़ भीषण सूखे की चपेट में रहा। लोग दाने दाने को तरसते थे, लेकिन गांव के व्यापारी माखन के गोदाम आज अनाज से भरे थे। नारायण सिंह ने से जनता का इस तरह भूखा मरना जो है नहीं देखा जाता था, और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अनाज भंडार के ताले तोड़ दिए। एक व्यापारी जो था माखन, उनकी शिकायत पर इलियट ने, जो वहाँ के उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे, उन्होंने वीर नारायण सिंह के विरुद्ध वारंट जारी किया 24 अक्टूबर 1856। ये सब जो है आपका 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उससे पहले की बात है। उन्हें संबलपुर में गिरफ्तार कर लिया गया। 28 अगस्त 1857 को नारायण सिंह ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर वो जेल से भाग निकले, और फिर उन्होंने क्या किया कि सोनाकंद पहुंचकर उन्होंने 500 बंदूकधारियों की सेना बना ली। उन्हें गिरफ्तार करना अब अंग्रेजों के लिए प्रतिष्ठा की बात हो गई थी, क्योंकि वो जेल से भाग चुके थे और उन्होंने अपनी एक सेना तैयार की थी। नारायण सिंह ने सोना खान से अंग्रेजों का जमकर विरोध किया, लेकिन अंततः कैप्टन स्मिथ के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने जो है उन्हें पकड़ लिया। इलियट की अदालत में उनके विरुद्ध मुकदमा चलाया गया, और 10 दिसंबर 1857 को उन्हें फांसी की सजा दी गई। वह स्थान जहाँ पे उनको फांसी दी गई थी उसे जयस्तंभ चौक के नाम से जाना जाता है, और वे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के छत्तीसगढ़ के पहले शहीद हैं। कौन? वीर नारायण सिंह। ठीक है, तो आप लोगों को ये बातें याद रहेंगी। यहाँ पे हमने 3 व्यक्तित्व के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें पढ़ी हैं जो हमको कहीं पे अलग से पढ़ने को नहीं मिलती हैं। मेरे हिसाब से तो ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही मैं प्रमुख व्यक्तित्व वाले लेसन आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। अब मैं मिलूँगी आप लोगों से अपने नेक्स्ट लेसन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।